कुछ अच्छी सिखलाइयां हमें देखे जाता है। दोस्तों काफी कुछ हमें सीखने को मिला है, ये दौर जरूर खत्म होगा और अच्छा दौर हमारा आपका हम सबका जरूर आएगा। डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोरोना चला जाएगा तो बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी, बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी, रोजगार चला जाएगा, और खासकर नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग वाले कह रहे हैं जी हमें मजा आ जाएगा, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा। देश में मंदी आना अच्छी बात नहीं है, देश में लोगों की नौकरियां छूटना अच्छी बात नहीं है, देश का पीछे जाना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं तो इन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ मैं ये कहता हूँ कि ठीक है मंदी आएगी, नौकरियां छूटेंगी, लोग परेशान होंगे, तकलीफ होगी, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उन्हें संभालेगी, हम अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे उन्हें संभालने का, उन्हें अपने गले लगाने का, हम उनको जरूर ये मौका देंगे कि कुछ चिंता मत करो, कितनी मर्जी मंदी आ गई कुछ भी हो गया लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कितनी बड़ी मंदी आ जाए, कितनी बड़ी बेरोजगारी आ जाए, लेकिन ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लोगों को संभाल सकती है। और कोशिश करेंगे, सरकार भी इस बात को समझेगी, हम भी कोशिश करेंगे बताने की, समझाने की, इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है दोस्तों कि मंदी आएगी, महामंदी आएगी, ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि एक अच्छा देशभक्त होने के नाते, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें देश को महामंदी में खुश नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे दिलों में तकलीफ होनी चाहिए, और मुझे तो हो रही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस मंदी के दौर में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा काम कर पाएगी, बड़ा काम कर पाएगी, कहीं ना कहीं अपने लोगों को संभाल पाएगी। देश के वो मजदूर, वो बेरोजगार लोग जो इस मंदी से ग्रसित होंगे, उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री संभालने में पूरा पूरा साथ। दोस्तों हम लोग सपोर्ट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी लोगों को, सरकार को, हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं अपने देश को इस मंदी से निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे जो भी मंदी आएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक दुनिया का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है, सबसे स्मार्ट बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो ना डिग्री देखता है, ना इन्वेस्टमेंट देखता है, ना एजुकेशन देखता है, और कितना मर्जी रिसेशन आ जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी रिसेशन नहीं आता। लेकिन कब नहीं आता, किन कंपनियों को नहीं आता, ये बात हमें थोड़ा समझनी होगी, जाननी होगी। रिसेशन सिर्फ उन कंपनियों के लिए नहीं है जिन कंपनियों के पास प्रोडक्ट है, जिनके पास नीड करने का प्रोडक्ट है, नीड का प्रोडक्ट है, यूज का प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और जो कंपनियां सिर्फ, मैंने कहता किसी का नाम लेना नहीं चाहता, जो भी अच्छी है सब अपनी तरह से अच्छी चल रही है, पर जो भी कंपनियां वो प्रोडक्ट बेच रही है जो किसी काम के नहीं है, वो उनके लिए आने वाला दौर बहुत स्ट्रगल का होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके लिए होगी। लेकिन जो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बेच रही है, जिनके प्रोडक्ट डिमांड में रहते हैं, जिनके प्रोडक्ट की नीड है, जिनके प्रोडक्ट की यूज है, वो सभी कंपनियां आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करेंगी। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अब आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, 3 महीने के बाद खुलेगा नहीं खुलेगा मालूम नहीं, 30 मई तक खुलेगा मालूम नहीं, 30 जून तक खुलेगा मालूम नहीं, कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा मालूम नहीं, कौन सा रेड जोन खुलेगा नहीं खुलेगा, कौन सा ऑरेंज जोन नहीं खुलेगा, कौन सा ग्रीन जोन नहीं खुलेगा मालूम नहीं। लेकिन आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आने वाले समय में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट नेटवर्कर बनना है, एक स्मार्ट डायरेक्ट सेलर बनके बिजनेस करना है, आईटी का उपयोग करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं गपशप मारता नहीं और मुझे फालतू मतलब लाला चुपी वाली बातें आती नहीं, जो रियल है, जो इथिकल है, जो सच है, वही है कि आने वाले 6 महीने कोई गैदरिंगें नहीं होने वाली, कोई सेमिनार नहीं होने वाले, कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होने वाली, कोई इवेंट नहीं होने वाले। क्यों? जब तक इसका वैक्सीन नहीं बन जाता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन गवर्नमेंट रखेगी और रखनी भी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में अगले 6 महीने या जब तक इसकी वैक्सीन ना आ जाए कोई लीडर सेमिनार करे, कोई ट्रेनिंग करे, कोई ऐसा रिस्क ले जिस रिस्क की वजह से हजारों लाखों लोगों की जान दांव पे लग सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में ऐसा कुछ भी हो, मेरी कंपनी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अगर हमें मीटिंग करनी होगी, अगर सब कुछ खुल जाएगा, 1-to-1 मीटिंग करेंगे, हम होम मीटिंग करेंगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेंगे जब तक ये वायरस पूरी तरह निस्तनाबूत नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, जिससे हमारे लोगों की जान का रिस्क हो। क्योंकि दोस्तों जान है तो जान है, और आपको पता है
कि SLPS परिवार अपने लोगों की किस तरह परवाह करता है, किस तरह उसका ख्याल रखता है। हमें नहीं चाहिए वो पैसा जो किसी की जान पे खेल के आता हो। हमें चाहिए अपने लोगों की जान, अपने लोग सुरक्षित चाहिए, सेफ चाहिए। तो ये बात आप दिमाग में रखें कि अगले, अच्छी बात है, हम 4-5 महीने में सीख जाएंगे कैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है, कैसे ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग होती है, 1-to-1 हम बिजनेस कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना है आपको कि आने वाला फ्यूचर ऐसा ही है, कुछ महीने हमारे ऐसे ही निकलेंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है। और दोस्तों, तुम SLPS के फाइटर हो यार, तुम तो SLPS वाले हो, जियाले हो, तुम्हें तो इस तरह से सिखाया हुआ है, तुम्हारे लीडर्स ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि बिना सेमिनार, बिना ट्रेनिंग और बिना इवेंट के भी हम लोग 1-to-1 में भी वो धमाके कर सकते हैं जो हम पहले से कर रहे थे, और उससे अच्छे धमाके करेंगे। लेकिन आने वाला फ्यूचर भी बताता हूँ, जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल होगी, जैसे ही सिचुएशन और सिचुएशन होगी, जैसे ही पुराने दिन वापस आएंगे, तो दोस्तों उसके बाद ये इंडस्ट्री और SLPS और आप सबकी तरक्की देखने लायक होगी। जो आपने तरक्की, जो मतलब अचीवमेंट्स देखी नहीं है ना, वो आपको 1-1.5 साल बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद जो स्पीड होगी वो लाजवाब होगी। क्यों? क्योंकि आज दुनिया को समझ आ चुका है आयुर्वेद की ताकत, इम्यून की ताकत, इम्यून सिस्टम की ताकत। इम्यून बूस्टर किससे होता है, इम्यून को कौन बूस्ट करता है? सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और आपकी कंपनी का पहले दिन से ही एक ही नारा है, बीमार और बेरोजगार देश के लिए काम करेंगे, बीमारी और बेरोजगारी को दूर भगाएंगे, लोगों को इंटरनल इतना मजबूत करेंगे कि बड़ी बड़ी बीमारियां उनके घरों में ना आए। तो आज वो है, आज वो समय है हमें दिखाने का कि आज हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। और आपको पता है कि SLPS के ज्यादातर प्रोडक्ट इम्यून पे काम करते हैं। तो आप आने वाले समय में लोग समझ गए, भाई पैसा वैसा कुछ नहीं है, पहले शरीर चाहिए, सब गाड़ी पैसा बंगला, घरों में घुस के बैठ के सब बड़े बड़े समीर आदमी, सबको नॉलेज होगी कि भैया पैसा वैसा नहीं चाहिए, पहले हेल्थ चाहिए। अगर शरीर जानदार होगा तो कोई साला वायरस इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला दौर हमारा है, जमाना हमारा है, आने वाला समय हमारा है। बी प्रिपेयर, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाएं, घबराए ना। ये बहुत बड़ा लेसन पूरी दुनिया को मिला है कि जान है तो जान है, जान है तो जान है, जान बचाओ, जान बचाओ। और आने वाले दिनों में लोग पैसा नहीं बचाएंगे, अपनी हेल्थ पे पैसा लगाएंगे, अपनी हेल्थ बचाना चाहेंगे, अपने आप को इतना इम्यून बूस्ट करना चाहेंगे, इतना मजबूत बनाना चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, बड़े से बड़ा वायरस उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। ये दिन दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगा, चिंता ना करो, बस कुछ दिनों की बात। दोस्तों, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हुए, मैं उन्हें भी बोलता हूं, जो लोग नहीं जुड़े हुए मेरे भाई, मैं फिर कहता हूं आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है जो हर एक व्यक्ति को, हर एक आम आदमी को बड़ा बना सकता है। हर एक आम आदमी के, किसान के बेटे के, नौकरी वाले बेटे के, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, जिसका जो भी सपना है वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पूरा हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग भी SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तो 100% पूरा हो सकता है। आज SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ताकत क्या है, क्या ताकत है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की? आज भी हमारे लोग इतने पॉजिटिव हैं, आज भी हमारे लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। क्या ताकत है हमारे लोगों की कि आज भी हमारे लोग एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं? क्या ताकत है SLPS में हमारा एक भी लीडर, एक भी फ्रेशर, एक बार भी एक महीने में थोड़ा भी नहीं हिला? हर एक व्यक्ति पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि SLPS वेलनेस हिंदुस्तान की एक ऐसे लोगों को चूज किया है, SLPS हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिसने हमेशा अपने प्रिंसिपल, अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज पे काम किया। SLPS हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिसने कभी ये नहीं सोचा कि हमें लोगों का खून चूस के पैसे कमाने हैं, हमें खून चूस के लोगों को पैसे कमाना है, नहीं। SLPS एक ऐसी कंपनी है जिसने वो प्रोडक्ट बनाए, वो रिजल्ट लोगों को दिए कि SLPS लोगों के दिल में उतर गई। दोस्तों, और तो और मैं क्या बताऊं कि लॉकडाउन के पीरियड में कितने लोग मेरे से प्रोडक्ट लेके गए। इवन मैंने पर्सनल प्रोडक्ट दिए कि सर मुझे प्रोडक्ट चल रहे थे, उसका इलाज चल रहा था, आप प्लीज प्रोडक्ट दे दो। वो ठीक होने वाला है तो SLPS आज यहां पर क्यों पहुंची? आज SLPS ने पिछले 5 साल में 60 करोड़पति लीडर दिए, आज SLPS ने पिछले 5 साल में
60 लग्जरी कारें दी आज असली किसने पिछले 5 साल में लाखों रिजल्ट दिए हैं, लाखों रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एसलीपीएस देशभक्त कंपनी है। एसलीपीएस के लिए देश सर्वोपरि है। एसलीपीएस कहती है सब कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब बेच के कमा रहे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच के कमा रहा है, लेकिन एसलीपीएस इंसानियत बेच के कमा रही है। एसलीपीएस सच्चाई बेच के कमा रही है। एसलीपीएस सच्चाई बेच के अपने लोगों को बड़ा बना रही है, इंसानियत बेच के अपने लोगों को बड़ा बना रही है, अच्छे एथिकल लीगल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बेच के लोगों को बड़ा बना रही है। और आने वाला समय एसलीपीएस का है, ये बात हर व्यक्ति कान खोल के सुन ले, गौर करें मेरी इस बात को। आज जमाना दौर आएगा हमारा, दौर एसलीपीएस का। क्यों? हमें नहीं, लोग क्या कहते हैं भाई, कितने का बेचते हो, क्या बेचते हो, क्या देते हो, क्या नहीं देते, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन मैं ये, मेरा कंपटीशन सिर्फ खुद से है कि और बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, और बेहतर से बेहतर अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने प्लान को, हर चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और एक दिन दुनिया को दिखाएंगे कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होती थी, होती है और होगी। और इसमें मुझे 100% विश्वास है कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर आज हमारे साथ है, हर परिवार हमारे साथ है, और एसलीपीएस आने वाले दिनों में इतिहास लिखेगी, और उस इतिहास में हर एक फाइटर का नाम होगा। दोस्तों, बहुत बड़ा जमाना और दौर आएगा हमारा, बस कुछ दिनों की बात है। संयम रखें, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो दोस्तों संयम रखने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। डिप्रेशन में नहीं आना, टेंशन में नहीं आना, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा यार, नहीं अभी नहीं कमाएंगे पैसा, अभी सिर्फ गुजारा करेंगे, रोटी खा लेंगे, सुबह शाम रोटी मिल गई बहुत है, पैसा कमाने का भी टाइम आएगा। अब जब तक ऐसे पैसे में नहीं आए थे, कौन से अपने पैसे कमाए थे, आए तभी तो कमाए, तो सोचेंगे यार ऐसी परिस्थिति आई, बुरा दौर है, बुरी परिस्थिति है, जब इससे निकल जाएंगे फिर एक स्पीड पकड़ देंगे, फिर दुनिया को दिखा देंगे। एसलीपीएस को हर फाइटर दिखा सकता है, क्योंकि एसलीपीएस के फाइटर एक भट्टी से निकलते हैं, उन्हें तपा के निकाला जाता है। एसलीपीएस का फाइटर कभी पिघल नहीं सकता, वो हमेशा लड़ता था, लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। दोस्तों, अब कई आपको पता ही है कि अपनी कंपनी ऑपरेशन में आ चुकी है, तो कई लोगों के सवाल होंगे कि भाई एसलीपीएस ऑपरेशन में क्यों आई, एसलीपीएस को ऑपरेशन में क्यों आना पड़ा, क्योंकि एसलीपीएस ऑपरेशन में आई लेकिन उसने अपने लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। एसलीपीएस ऑपरेशन कर रही है लेकिन अपने लोगों को घर में रहकर कर रही है, क्योंकि दोस्तों पब्लिक की डिमांड थी प्रोडक्ट की। मेरे लिए पैसा अगर मायने रखता तो मैं 21 दिन कंपनी बंद ना रखता, 22 दिन कंपनी बंद ना रखता। मैंने सारा सिस्टम सेट किया, अपनी फैक्ट्री में सैनिटाइजर किया, अपनी फैक्ट्री के पास लिए, अपने ऑफिस के लोगों के पास लिए, अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स के पास लिए, उनको एक कन्वेंस किया कि भाई आप लोग घर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो तो ही हम ऑपरेशन में आएंगे। और हम इसलिए आए क्योंकि हमारे पास नीडी प्रोडक्ट है, हमारे पास जरूरत का प्रोडक्ट है, हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए हम आए, इसलिए हमारे को ऑथराइजेशन मिले। जिस भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने मांगा कि हम काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें ऑथराइज किया कि बेटा ठीक है आप लोग करो, क्योंकि आपके पास आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसन है जो लोगों के काम आएंगी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि हमें कुछ ये डर लग गया, अरे किस दिन बंद, अरे नहीं, चिंता ना करो, एसलीपीएस परिवार 210 दिन भी बिना काम किए पॉजिटिव रह सकता है, काम कर सकता है, और अपने परिवार अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रह सकता है। ये एसलीपीएस परिवार की ताकत है। तो दोस्तों, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग अभी ऑपरेशन में आए, हमारे सब लोग काम करने लगे, और मैं तो कहता हूँ चमत्कार हो आप लोग, नमस्कार है आप लोगों को, मेरा सल्यूट है यार। लॉकडाउन में घर रहते रहते भी कल जो आपने क्लोजिंग की है वो तारीफ के काबिल है, करोड़ों का पे आउट बने हैं, कल करोड़ों की क्लोजिंग आई है लॉकडाउन में घर रहते रहते। अब ये सोचने की बात है कि एसलीपीएस का फाइटर घर रहकर जब ये कमाल और धमाल कर सकता है, तो जब उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे। इस दुनिया को, समाज को, लोगों को सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं तो सबसे कहूंगा कि भाई आ जाओ, एसलीपीएस के फाइटर्स का हाथ पकड़ लो, इनके साथ आ जाओ, जैसे ये कहें इनकी बात सुनो, ये लोग अपने अपने साथ साथ आपका भविष्य भी बदल सकते हैं। थोड़े हर्डल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, क्योंकि इस माहौल में वो आनी लाजमी है। प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, बाकी फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, KYC पोस्टल सर्विस के माध्यम से होंगी, पे आउट टाइम से आएगा, कुछ लोगों को KYC की वजह से रुकेगा, लेकिन उनका जैसे पोस्टल डाक से KYC हमारे पास आ जाएगी 2 दिन में 4 दिन में, तो उनका पे आउट निकल जाएगा। तो जो छोटे मोटे हर्डल्स एडमिन को लेके, सुख सुविधाओं को लेके, प्रोडक्ट डिस्पैचिंग को लेके, पे आउट को लेके आएंगे, उनसे घबराना नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। हिम्मत और जज्बे और मर्दानगी के साथ खड़े रहना मेरे दोस्तों, जैसे आज तक आप खड़े रहे।
बाकी आप इस माहौल में अगले दो चार महीने या महीना दो महीना तीन महीना हम बिजनेस कैसे करें उसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। एक छोटी सी मैं आपको एक लेसन देता हूं कि आने वाले समय में ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों की नीड के प्रोडक्ट हैं, लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, और जिस तरह एक आदमी बिना रोटी के जिंदा नहीं रह सकता, इस तरह बहुत से हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको खा के लोगों को जिंदा रहना है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई सहारा हमारे माध्यम से, किसी डॉक्टर के माध्यम से, किसी दवाई के माध्यम से, मेडिकल स्टोर के माध्यम से उसे अपनी डायबिटीज का सहारा तो चाहिए। कोई घुटनों से परेशान उसे सहारा तो चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो परेशान घुटनों के लेके जीवन जी सकता है। तो हम लोगों के प्रोडक्ट 100% लोगों के यूज़ के प्रोडक्ट हैं, लोगों के नीड के प्रोडक्ट हैं। तो अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्टों को घर रहते रहते हम कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे घर रहते रहते बात कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए भी हम लोगों को कैसे कन्वेंस कर सकते हैं, कैसे अपने साथ ला सकते हैं। तो दोस्तों ये काम चार पार्टी में। नंबर एक, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला पार्ट है इन्विटेशन, कि लोगों को इन्वाइट करना। दूसरा पार्ट है प्रेजेंटेशन, कि लोगों को प्रेजेंटेशन देना। तीसरा पार्ट है कन्वर्शन, कि लोगों को कन्वर्ट करके अपने साथ जोड़ना। और चौथा पार्ट है जोड़े हुए व्यक्तियों से काम कराना, गिव देम डायरेक्शन हाउ टू डू वर्क। मेरे हिसाब से ये चार पार्ट में बिजनेस होता था, चार पार्ट में बिजनेस आगे भी होगा। ऑनलाइन में इन चार पार्ट को अगर हम समझ लें तो ऑनलाइन बिजनेस करना भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों हम लोगों को ये बताएंगे कि भैया घर रहकर कमाएं अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा पैसा बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अपनाएं आयुर्वेदा, आयुर्वेद के साथ घर बैठकर बिना कुछ लगाए पैसे कैसे कमाएं। ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोर्स आपको तैयार करने होंगे, जो आपको अपने लोगों को, जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों तक पहुँचाने होंगे, भेजने होंगे, उन्हें इन्वाइट करना होगा अपनी बात सुनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे पता है कि तकरीबन लोग इन्विटेशन का स्रोत क्या है, इन्विटेशन कैसे होता है। देखिए इन्विटेशन का मतलब है डाटा कलेक्शन। भाई हमारे पास डाटा होगा तो ही हम इन्वाइट कर पाएंगे। और डाटा कहाँ होगा? डाटा आप लोग अगर एनालाइज करेंगे तो आपको याद आएगा कि अभी बहुत सा ऐसा सेल्फ फ्रेश डाटा आपके पास होता है जिसपे अभी तक आपने डिस्कशन ही नहीं किया कि आप क्या काम करते हो, आप क्यों करते हो, आप किस संस्था के साथ जुड़े हुए हो और आप क्या अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका आज सेल्फ फ्रेश का डाटा होगा जो उन्होंने अभी यूज नहीं किया होगा, उसकी आप एक डाटा कलेक्शन की अपनी डायरी में एक लिस्ट बनाइए। दूसरा डाटा होता है डाउनलाइन का फ्रेश डाटा। डाउनलाइन में आपकी बहुत ऐसी डाउनलाइन होगी जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अभी तक बातें नहीं की होंगी, टच नहीं किया होगा, प्रेजेंटेशन नहीं की होगी। दैट इज कॉल्ड डाउनलाइन का फ्रेश डाटा। तीसरा डाटा होता है आपका फेसबुक का डाटा। दोस्तों फेसबुक में अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आप अपना फेसबुक पेज बनाइए अपने लोगों के लिए, और जो आपकी फेसबुक आईडी है वो आप नए लोगों के लिए बनाइए। नए लोगों को अपनी फेसबुक आईडी से जोड़िए, नए लोगों को फेसबुक आईडी पे इनवाइट कीजिए। जो लोग ना आपकी कंपनी में ज्वाइन है, ना आपके दोस्त हैं, ना आपके बिजनेस में है, उन लोगों को अपनी फेसबुक आईडी पे ज्वाइन करिए और उन्हें इनवाइट कीजिए। और किसी को भी फेसबुक पे कन्वेंस करने का एक ही तरीका है, जब भी वो किसी भी आदमी को आप इन्वाइट करना चाहते हो उसका प्रोफाइल देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता, और जितनी वो पोस्ट पास्ट डालता है उस पर लाइक मारो कमेंट मारो लाइक मारो कमेंट मारो। हर आदमी कन्वेंस हो जाता है, अरे भाई ये कौन है जो मुझे लाइक मार रहा है कमेंट कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर उसको एक रिक्वेस्ट भेजो कि सर मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, और अगर वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे बोलो सर बड़ा अच्छा लगा आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, आपके प्रोफाइल से मैं बहुत ज़्यादा कन्वेंस हूँ, आपका प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की मन में कहने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको अपना नंबर देने की कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, और वो आपसे मिलना चाहता है, कन्वर्सेशन करना चाहता है। और जब कन्वर्सेशन शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेजेंटेशन उसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब अपनी FB आईडी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनाइए। नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनेगा तो उनके नंबर कलेक्ट कीजिए, इसी तरीके से पहले उसे कन्वेंस कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, वो आपको अपना नंबर दे देंगे, उसके बाद अपना कन्वर्सेशन कीजिए, उन्हें प्रेजेंटेशन दीजिए, अपने बारे में बताइए। उसके बाद है आपके बहुत ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो आपके सेमिनारों में आए होंगे, आपके बहुत सारे मीटिंग्स में आए होंगे लेकिन ज्वाइन नहीं हुए होंगे। अब उन लोगों को इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझाइए, इन्हें कहते हैं ओल्ड फॉलोअर्स। आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते थे, पहचानते थे, आपने बहुत प्लान समझाया लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब ये समय आ रहा है दोस्तों, इस समय में हर आदमी ऑप्शन ढूंढेगा, हर आदमी दो पैसा कमाने के एक अच्छा रास्ता ढूंढेगा। समय बहुत
अच्छा नहीं आ रहा, मैं कहूँगा हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस बुरे समय में भी कुछ अच्छे काम हमें करने हैं, इस बुरे समय से कुछ अच्छा करते हुए हमें निकल जाना है। तो दोस्तों वो बात उन्हें बताइए कि भाई अब जो है यही इंडस्ट्री है जो आपको संभालेगी, यही इंडस्ट्री है जो आपको नई जिंदगी देगी, इंडस्ट्री है जो आपको एक अच्छा पैसा एक अच्छी कामयाबी दे सकती है। तो उन्हें ओल्ड फॉलो जो लोग आपके साथ पहले नहीं आए थे उन्हें अपने साथ लीजिए, लाइव और इन्वाइट कीजिए, फोन नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद आपको किसी को भी अगर आपको आता है कि चलो यार मुझे किसी से कोई बात कहनी है, कोई अपनी बात करवानी है, प्रेजेंटेशन दिलवानी है, और अगर आपको परफेक्ट प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई कीजिए कि सर नमस्कार भाई साहब मेरा आपको जैसे मैं और मान लो एक शुभम नाम का लड़का दोस्त है और मुझे इसे इन्वाइट करना है, मैं चाहता हूँ महिपाल सर से प्लान दो। शुभम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुभम जी हमारे एक सर हैं मिस्टर महिपाल सिंह, बहुत ही मतलब कामयाब और अचीवर पर्सन है, मैं चाहूँगा एक मुलाकात उनके साथ आपकी फ़ोन पे कराऊँ, व्हाट्सअप पे कराऊँ, वीडियो कॉलिंग पे कराऊँ, आप उन्हें सुने, उनके विचारों को जाने, हो सकता है आपको अच्छा लगे और आप भी फिर कहीं ना कहीं इस परिवार में हमारे साथ आएँ और हमें हमारी मदद करें और इस मिशन को हमारे आगे बढ़ाएं। तो जब हम लोगों को इस तरह की रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में बात करेंगे और जिन लोगों को हमें बात समझानी है और वो हमारे लोग हैं, हम नहीं समझाना चाहते, तो अपने अपलाइन का भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने अपलाइन से भी उसे बात को समझवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दिलवा सकते हैं एक अच्छे आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाइए, बहुत छोटे छोटे, 3 मिनट 2.5 मिनट इससे ज्यादा के लिए। उनमें क्या बनाइए, अपनी कंपनी का पूरा प्रोफाइल अगर आपको बताना पड़े किसी को तो मात्र 2 मिनट में। हमारी कंपनी सर एसएमपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हिंदुस्तान की बेरोजगारी पे काम कर रही है, बीमारी पे काम कर रही है, हमारी कंपनी टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और फूड सप्लीमेंट के साथ काम करती है, हमारी कंपनी में 56 प्रोडक्ट है। इस तरह से छोटा सा प्रोफाइल, इतने प्रोडक्ट है, इतने रिजल्ट है और ये हमारी कंपनी में काम करके इतने लोगों ने इतने समय में इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, इस तरह कंपनी का 3 मिनट का 2 मिनट का 2.5 मिनट का एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो बनाइए। फिर जिस भी व्यक्ति से आप इन्विटेशन हो जाता है, जो व्यक्ति आपका प्रेजेंटेशन देख लेता है, आपका प्लान देख लेता है, प्रोडक्ट देख, उसे छोटा सा एक वीडियो भेजिए तो उसको छोटा वीडियो सुनने में मजा आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट और लाइफस्टाइल डिजीज का एक छोटा सा वीडियो बनाइए कि आज के लाइफस्टाइल डिजीज क्या होते हैं और उसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या आवश्यकता है, हमारे प्रोडक्ट आज लाइफस्टाइल डिजीज में क्यों जरूरत है, क्यों हमारे प्रोडक्ट चाहिए हर व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ने के लिए। ऐसा एक छोटा सा वीडियो बनाइए, 2 मिनट या 3 मिनट इससे ज्यादा का नहीं। इसको पूछ कीजिए, इसको लोगों को भेजिए। फिर अपने बिजनेस प्लान का 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अचीवमेंट अपनी अचीवमेंट का एक छोटा सा वीडियो बनाइए 3-4 मिनट का। मेरा नाम अमित दुबे है और मैं इस परिवार का रहने वाला हूँ और मैंने ये किया, मैंने ये पढ़ाई की, उसके बाद मैं यहाँ आया, उसके बाद मैंने स्ट्रगल की, फिर वो डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिला, एसएमपीएस में मौका मिला, फिर आज मैंने ये अचीवमेंट प्राप्त की। और मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरी तरह हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को एक बार देखना जरूर चाहिए, समझना चाहिए। कहने का मतलब इस तरह 2-3 मिनट का अपना सेल्फ अचीवमेंट का वीडियो बनाइए, अपने प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी जिसको भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है उसके साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल जरूर भेजिए, क्योंकि एसएलपीएस कंपनी आज जहां भी है वो अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट की ताकत से है, रेट की ताकत से नहीं है, रिजल्ट की ताकत से है। और रिजल्ट की ताकत लोगों को चाहिए, रेट की ताकत नहीं चाहिए। रेट को तो कोई कितने कुछ भी बेच ले, कचरा बेचे बोला मैं 2 रुपए का बेच रहा हूं, वो 200 का बेच रहा है, लेकिन है तो तेरा कचरा। ऐसा रिजल्ट जो आज एसएलपीएस ने दिया है वो आपके सामने है, वो 5-6 साल में लोगों ने देखा है, लोगों ने महसूस किया है। तो रिजल्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स आपके जितने उन्हें जब प्रेजेंटेशन आपके हो जाती है, इनविटेशन हो जाता है, तो उसे भेजिए कि देखिए सर ये रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं सामने वाला कन्विंस होगा और आपकी बात को 100% सुनेगा। उसके बाद वॉइस ओवर सेमिनार बनाइए, एक एनिमेटेड वीडियो बनाइए, अपना वॉइस ओवर सेमिनार फॉर ट्रेनिंग एंड सेमिनार, अपना एक सेमिनार वीडियो बनाइए वॉइस ओवर एनिमेटेड, जिससे कि उस सेमिनार की प्रेजेंटेशन आप किसी को भी दे सकें। होता क्या दोस्तों, आप किसी को स्लाइड भेजते हैं, प्रेजेंटेशन और प्लान भेजते हैं, वो सिर्फ एक नेटवर्कर ही समझ सकता है, एक फ्रेशर नहीं समझ सकता। हमें बात फ्रेशर को भी समझानी है, इसलिए फ्रेशर के लिए हमें एनिमेटेड वॉइस ओवर एक सेमिनार बनाना है और उसकी स्लाइड लोगों को, उस वॉइस ओवर सेमिनार लोगों को भेजना, जिससे कि हम बोले और पीछे पीछे स्लाइड चले, स्लाइड चलती रहे, वो देखता रहे और हमें सुनता रहे और हमारे बिना मिले भी उसे हमारी पूरी बात समझ में आ जाए। उसके बाद जूम मीटिंग्स आप लोग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कीजिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों।
जूम मीटिंग आप करें तो कम से कम लोगों को कनेक्ट करें ओनली फ्रेश सेमिनार के लिए। अगर मुझे अगर मैं जूम मीटिंग करूं फ्रेश सेमिनार तो मैं 4-5-6 लोगों को करूंगा। अगर मैं 60 लोगों का सेमिनार करूंगा जूम का तो मैं 60 लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब भी तो देना है, तभी तो मुझसे कन्वेंस होंगे, तभी तो मेरे साथ कन्वर्ट होंगे। मैं 6 लोगों की 8 लोगों की इससे ज्यादा जूम मीटिंग फ्रेश सेमिनार नहीं करूंगा। हाँ मैं 60 लोगों की 500 लोगों की 1000 लोगों की पेड वर्जन ऑफ जूम का लेके जूम ऐप का पेड वर्जन लेके मैं अपने लोगों से बात करूंगा, अपने लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, अपनी टीम से बात करूंगा, अपने लीडर से बात करूंगा, वो बात समझ में आती है। लेकिन जब भी आप फ्रेश सेमिनार दे रहे हैं फ्रेश गेस्ट को समझा रहे हैं तो कम से कम, क्योंकि जितने कम से कम रहेंगे तो उतना वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, अपनी बात आसानी से रख पाएंगे, आप उनके क्वेश्चन आंसर के जवाब दे देंगे और वो बात आपकी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में बेशक लोग अंदर हैं लेकिन फिर भी उनके पास टाइम नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह लगे हुए हैं, कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे पूरे दिन लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इनको कम समय में ज्यादा बात समझानी है। तो हमें कम लोगों को लेना है फ्रेश मीटिंग में फ्रेश सेमिनार में। टेलीफोनिक प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके हम अपना सेमिनार और अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये ग्रीन जोन आ जाएगा, कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह खुल जाएंगे तो 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग, ये सब हम कर सकते हैं। और जहाँ हम थे वहाँ तो आना ही आना, उससे आगे ही जाएंगे, क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है, नहीं यकीन है कि SMS का फाइटर 1-to-1 और होम मीटिंग में घर रह के जब इतनी बड़ी क्लोजिंग हम लोग कर सकते हैं तो थोड़ा बाहर निकलने का मौका मिला तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगी, हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिस रिस्क में हमारी जान को और हमारे परिवार की जान को खतरा है। ये मैं कभी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। कम सेल हो जाएगी, कम कमीशन बनेगा, कम चेक बन जाएंगे, कम पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होगी, हमारा डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा, ग्रीन जोन में हम आ जाएंगे, हमें मौका मिलेगा बाहर निकलने का, तो हम जब निकलेंगे जरूर जाएंगे। उसके बाद बात आती है कन्वर्शन की, तो किसी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसके क्वेश्चन सुनने, हाँ जी सर आपको कैसा लगा, हाँ जी सर आप क्या जानना चाहते हो, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। एक अच्छी क्लोजिंग आपको जूम सेमिनार पे करनी है, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपको जूम सेमिनार पे बात करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उनके यूसेज बताने, टेस्टिमोनियल बताने, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताना है, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताना है कि आज हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, आने वाले इस महामंदी के दौर में कितना बड़ा रोल हम प्ले करेंगे, वो रोल हम प्ले क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में लोगों को एडमिशन की कोई फीस नहीं लगती, हमारे इंडस्ट्री में कोई एजुकेशन नहीं लगती, हमारे इंडस्ट्री में कोई टैलेंट नहीं लगता, हमारे इंडस्ट्री में कोई डिग्री नहीं लगती, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता। हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ सिर्फ जज्बा लगता है, जहाँ सिर्फ हिम्मत लगती है, जहाँ सिर्फ सपने लगते हैं। तो लोगों को बताइए फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में क्या होगा, क्या पावरफुल बिजनेस के रूप में उभर के आएगा, किस तरह इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके इस बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगी, किस तरह इंडिया की ग्रोथ में ये बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये बात लोगों को बताइए। लोगों को बताइए हमारी कंपनी के पिछले 5-6 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे पास हैं और वो क्यों हमारे पास हैं। अपनी कंपनी अपने बारे में बताइए, अपने अपलाइन के अचीवमेंट के बारे में बताइए। मतलब ये है जो पहले हम मिलके बताते थे अब ऑनलाइन बताएंगे, जो पहले आंख में आंख डाल के बताते थे तब उन आंखों को मोबाइल पे लैपटॉप पे लगा के बताएंगे। लेकिन जैसे पहले बता के मिलके बता के लोग हमारे साथ आते थे, हमें सुन के ही तो लोग हमारे साथ आते थे ना दोस्त। तो दोस्तों अब फिर बताएंगे, फिर सुनाएंगे, फिर लोग हमारे पास आएंगे, फिर लोग हमारे साथ आएंगे। हमारी बातें लोगों को अच्छी लगती थी ना, तो अपनी बातें लोगों को अब इस माध्यम से पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाएंगे जरूर, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं इस माहौल में हमने ये तो सीखा है कि IT से बिजनेस कैसे किया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया का यूज कैसे किया जाता है। और कहीं ना कहीं हमने इतने सारे लोगों को, पहले आसाम की टीम से लीडर मिलने नहीं गया तो आसाम की टीम ने उसकी शक्ल नहीं देखी होती थी, उससे बातें नहीं की होती थी। आज हमारे सब लीडर आसाम की मीटिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोलकाता वालों से बात कर रहे हैं, बैठे बैठे चंडीगढ़ मुंबई बैठ के चंडीगढ़ वालों से बात कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने देखा नहीं था, उनके विचार नहीं सुने थे, उनका एक्सपीरियंस के साथ वो कभी जुड़े नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो ये सब कैसे हुआ, कहीं ना कहीं जब एक बुरा दौर आया, एक विपदा आई, तो हमने उससे निकलने का रास्ता ढूंढा। कहते हैं दोस्तों हर बुरी परिस्थिति एक अच्छा समय लेके आती, हर बुरे दौर में कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो कहता हूँ इंसान ही हुए सफल, इंसान ही हुए जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीत कर दिखाता है।
अरे बहती हुई लहरों में तो किसी की भी नौका पार हो जाए, जब विपरीत लहरें हो और नौका पार हो जाए उन्हें असली चीज के फाइटर कहते हैं, और जो आप लोग साबित करके समय समय पर मुझे एहसास दिलाते रहते हैं। तो दोस्तों अब ये जो आप ऑनलाइन सेमिनार करेंगे इनका टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रखना है, लंबा सेमिनार नहीं करना, एक डेढ़ घंटे आपको कोई नहीं सुनेगा, नया फ्रेशर नया गेस्ट इतना टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पूरा सेमिनार प्रोडक्ट का भी लाइफस्टाइल का भी बिजनेस प्लान का 25 मिनट खत्म, 25 मिनट में पूरा सेमिनार खत्म। 8 स्टेप की ट्रेनिंग करनी है वो लोग जब जुड़ जाते हैं 30 मिनट 45 मिनट में ट्रेनिंग खत्म, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि नए गेस्ट इतना नहीं सुन सकते, वो इतना नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी जब तक हमारे माहौल में हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं आ जाते तब तक हमारी पावर को वो नहीं जान पाते। तो आपको ऑनलाइन सेमिनार का मैक्सिमम टाइम 25 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। ऑनलाइन ट्रेनिंग का टाइम आपको 45 मिनट रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। और हाँ मैं ये देख रहा हूँ आप फेसबुक पे आके सेमिनार कर रहे हो, फेसबुक पे आके ट्रेनिंग कर रहे हो, मत करो ना भाई, नॉन यूजेबल है, नॉन रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि फेसबुक पर लाइव सेमिनार कौन सुन रहा है और मुझे क्यों सुनाना है, मुझे फेसबुक पर पोस्टें डालती रहनी है बस, अगर किसी को कन्वेंस होना होगा तो मेरी पोस्टों से कन्वेंस होकर अपना नंबर दे देगा। फेसबुक पर मुझे ट्रेनिंग क्यों देनी है, अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है मैं अपने लीडर को जूम मीटिंग में दूंगा, वीडियो कॉलिंग पे दूंगा, अगर मुझे सेमिनार लेना मैं जूम पे लूंगा, मेरे लीडर बताएंगे सर ये मेरा गेस्ट है, ये मेरा गेस्ट है, ये मेरा गेस्ट है, ये 10 गेस्ट है ये आपके सामने, इन्हें समझाओ सर, तो उस वहां से आपको रिजल्ट आएगा। ये फेसबुक लाइव सेमिनार फेसबुक ट्रेनिंग से आपको रिजल्ट नहीं आएगा, फेसबुक को डाटा कलेक्शन के लिए यूज करना है, न्यू एसोसिएट डाटा कलेक्शन के लिए। जो भी लोग हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं इनको पेज पे ले आओ और फेसबुक आईडी खाली करके न्यू एसोसिएट जोड़ो, नए लोगों को जोड़ो, उनका फोन नंबर लो, उनके लाइक मारो, उनको कमेंट मारो, उनको अच्छी अच्छी बातें लिखो, उनको अप्रिशिएट करो, जिसे उन्हें लगे यार इस आदमी से बात करना अच्छा लगेगा, फिर उनसे फोन नंबर लो, फिर अपनी बात उन तक रखो। उसके लिए फेसबुक पर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी सेमिनार के लिए ट्रेनिंग के लिए आप जूम मीटिंग्स को रेफर दें या गूगल से भी है गूगल डुओ भी है कोई ऐसा वीडियो कॉलिंग का सिस्टम, उसका यूज करें, लेकिन एफबी पे तो ज्यादा ज्यादा लोगों के नंबर कलेक्ट करें, लोगों को अपना बनाएं, लोगों के दिलों में जगह बनाएं फेसबुक मीडिया से, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। उसके बाद जो सीनियर लीडर्स हैं आप सब लोग भाई, जैसे मैं कहूँ टोपाज हैं, मैं कहूँ रूबी स्टार है, मैं कहूँ सफायर स्टार, सफायर है, डायमंड है, ब्लू डायमंड है, ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड है, इस माहौल में आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों के पास अचीवमेंट है, आप लोगों के पास बातें हैं, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास ट्रेनिंग है, आप लोगों के पास सब कुछ है दिखाने के लिए समझाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा सेमिनारों में आप इन्वॉल्व रहे, ज्यादा से ज्यादा नए न्यू एसोसिएट के सेमिनार टोपाज एंड अबव लोग ने और अमराल लीडर तक लोगों से इनवाइट कराएं, वो लोगों को कन्वेंस करके लाएं और आप लोगों के सेमिनार में लोगों को अमराल तक लीडर कन्वेंस करके लाए कि चलो मैं अपने सर से मिलवाता हूं, अपने सर की एक मीटिंग अटेंड कराता हूं, एक ऑनलाइन बिजनेस है, घर बैठ के पैसा कमाने का एक रास्ता है, घर बैठ के अच्छे हेल्थ सेक्टर में वेलनेस सेक्टर में बिना कुछ लगाए एक अच्छा बिजनेस एक अच्छा कैरियर हम बना सकते हैं, वो इस तरह बात करके लोगों को इनवाइट करके लाए। और जो सीनियर लीडर है वो जिम्मेदारी ले और ज्यादा से ज्यादा सेमिनार, ज्यादा से ज्यादा सेमिनार सीनियर लीडर करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 100% उनको रिजल्ट जरूर दिलाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ऑनलाइन की बिजनेस कैसे करना है काफी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है और आपके लीडर्स तो आपको बताते ही हैं और मुझे पूरा विश्वास है यकीन है कि हम लोग बड़े इजीली ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप एक बात समझिए, आज बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एफबी पे प्रमोट करके बेच रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके बेच रही हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो क्या आज हमारे प्रोडक्ट वैसे नहीं है, क्या हमारे प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, क्या हमारे प्रोडक्ट हर घर की जरूरत नहीं है, क्या हमारे प्रोडक्ट की हर घर में नीड नहीं है, तो हम क्यों नहीं बेच सकते ऑनलाइन, हम भी ऑनलाइन बेच, बस हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका खूबसूरत होना चाहिए, हमारी बातों में वजन होना चाहिए, वजूद होना चाहिए, और प्रोडक्ट में तो हमारे दम है, प्लान में तो हमारे दम है, मैनेजमेंट में हमारे दम है, फाइटर में हमारे दम है, एजुकेशन सिस्टम में हमारे दम है, अरे दम ही दम है हमारे अंदर, तो फिर हम क्यों नहीं यहाँ पर कामयाब होंगे और 100%
अगर एक साल भी गवर्नमेंट हमें घरों में रख ले तो भी हम घर रह के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब कुछ करते हुए एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की लोगों को जरूरत है। आपको मालूम है इम्यून बूस्टर, इम्यूनोडॉक, इम्यून बूस्टर सीबक्ट्रोन, फीवोडॉक, इन वायरल चीजों से लड़ने के लिए कई लोगों के आते हैं, मैसेज आते हैं, सर आप कोरोना का प्रोडक्ट क्यों नहीं बना देते। मैं आपकी बात को समझता हूँ, आपकी मन को समझता हूँ कि आप क्यों मुझसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमने हर तरह के प्रोडक्ट बनाए, हर तरह के रिजल्ट लिए। लेकिन दोस्तों इन प्रोडक्टों को बनाने में जो आप आज आप बेच रहे हैं उनमें मुझे बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर एक रिसर्च लगती है, पूरी आर्मी टीम लगती है, और उसके बाद कोरोना जैसी के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल लगते हैं। अब आपको पता है बहुत सी कंपनियों ने बहुत प्रोडक्ट बनाए लेकिन क्लिनिकल ट्रायल होने में 6-6 महीने लग जाएंगे। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं अपने लोगों के लिए, इन वायरस वगैरह से सेव करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन हर चीज़ समय मांगती है, R&D टीम लगी हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी मैं आके आज कह दूँ झूठे पैसा कमाने के लिए, अजी हमने तो बना दिया आप बेच दो, तो झूठ बोल के ना तो आज तक हमने काम किया ना हम करेंगे। जब ऐसा कुछ हमारे पास होगा तो हम ज़रूर लोगों के सामने आएंगे, ज़रूर लोगों को बताएंगे। जैसे फीवोडॉक प्रोडक्ट था, मैं कहता हूँ कि भैया फीवोडॉक यूज़ कर लो, रातों रात प्लेटलेट बढ़ती है। आपने एक लीटर बताया किसकी नहीं बढ़ी, किसी भी डेंगू पेशेंट को देते हैं तो उसकी प्लेटलेट बढ़ जाती है, बहुत से लोग ठीक हुए हैं। मतलब यहाँ तक है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो एम्स से एक लड़का भाग के आया था, कौन था मुझे याद नहीं है नाम, और मुझे कहा संजीव सर मुझे कुछ भी करो फीवोडॉक दो, एम्स में जाना है। उसने एम्स में भी दिया था, शायद किसी को ट्रीटमेंट में चल रहा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग वही चीज़ें लाएंगे जो R&D से हमारी टीम अप्रूव कर देगी, और आने वाले समय में कोरोना जैसी चीज़ों के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल भी जरूरी है। तो जो हम वो कर पाएंगे तो हम वो भी लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी फीवोडॉक यूज़ करें, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इम्यूनोडॉक यूज़ करें, सीबक्ट्रोन यूज़ करें, थंडर ब्लास्ट यूज करें। और अगर कॉम्बिनेशन पूछना है मेरे से कि वायरस से आपके नज़दीक ना है तो उसका कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, थंडर ब्लास्ट कफ डॉग फीवोडॉक, फीवोडॉक कफ डॉग थंडर ब्लास्ट, इसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए। बाकी तो करने वाला ना करने वाला तो भगवान है, काफ़ी इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद एक बार बार लोग कह रहे थे सर मनाली का क्या करें, मनाली का क्या करें। दोस्तों हम तो चाहते हैं कि इस गर्मी में मनाली चलें, आप सबके साथ बर्फ में मजे मौज मस्ती करके आए, पर कैसे करें, कहाँ जाएं, कोई ना जाने नहीं दे रहा। आजकल कोई स्टेट भी इतनी अकड़ में कि भैया जो स्टेट फ्री हो गया बोलता है दूसरे बंदे पर गुजरा जी हमारे, जब तक पूरे हिंदुस्तान से बीमारी खत्म नहीं हो जाती। तो मनाली हम 14 मई तक बढ़ा रहे हैं, देखते हैं 14 मई के बाद सिचुएशन कैसी होगी। अगर हम लेके जा पाए तो जरूर लेके जाएंगे, अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अलाउ किया और चीजें खुली और नहीं लेके गए तो भी हम आपको पैसा देंगे, मनाली टूर का रीइंबर्स करेंगे मनी, जो भी पैसा होगा हम आपको जरूर देंगे। और दोस्तों घर में रहें, सेफ रहें, घर में रह के जो काम आप लोगों ने किया सीरियस फाइटर्स ने वो तारीफ के काबिल है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दोस्तों कि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का मौका, मैं भगवान से कहूँगा कि भगवान अगर धरती पे कभी मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है, तो जो लोग तूने मेरे साथ इस जन्म में जिनके साथ मैंने काम किया है उनके साथ काम करने का मौका मुझे हर जन्म में देना। उम्मीद से परे हैं आप लोग, सोचा नहीं था जीवन में कि इतने अच्छे लोग भी इस धरती पे होते हैं, जैसे आज SCPS के फाइटर हैं, SCPS के परिवार हैं। आप लोग रियली ग्रेट हैं, आप लोग रियली महान हैं, और आपके साथ काम करके मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ अपने आप को। मतलब बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, 100% आई एम सो हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लोगों का साथ मिला है कि मुझे नेगेटिव नहीं होने देते। मैं जब भी फेसबुक खोलता हूँ अरे भैया कोई ट्रेनिंग ले रहा है, कोई दूसरी खोलता हूँ अरे भैया अभी कोई लगा हुआ है, तीसरी खोलता हूँ अभी कोई लगा हुआ, मतलब ऐसा पूरे दिन हमारा कोई ना कोई लीडर कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो आपने इस माहौल में भी इतनी एजुकेशन अपने लोगों को दी है, इस तरह अपने बिजनेस को संभाला है, लोगों को संभाला है, तारीफ के काबिल है दोस्तों। और मुझे पता है बहुत मदद भी आप लोगों ने लोगों की दी है, बहुत तारीफ के काबिल है। और ऐसी ही कंपनी में बनाना चाहता था, ऐसा ही परिवार बनाना चाहता था जहाँ एक दूसरे के सुख दुख की चिंता करें, ना कि सिर्फ अपनी जेब भरने पर ध्यान दें, अपना नोट बनाने पर ध्यान दें। और SCPS हमेशा आपके साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। अब हम एक छोटी मोटी राशि PM केयर्स फंड में भी कुछ दिनों में सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि देश मेरे लिए सर्वोपरि है, और देश रहेगा तो हम सब जरूर रहेंगे। और आगे भी अगर देश के लिए हमें कुछ करना पड़ा तो हम जरूर करेंगे। और मेरा जन्मदिन था जो आप लोगों ने इतने धूमधाम से बनाया, पहले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था बनाने का, क्योंकि देश की ऐसी परिस्थितियों को देखकर
कि यार क्या जन्मदिन मनाना है, लेकिन फिर आपने जो सुबह से शाम तक जो विशेष चालू की, तो मतलब मैं ना मनाना चाहता था फिर भी आपने ऐसा बनाया। मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग इस धरती पे आते होंगे जिनका जन्मदिन इस तरह बनता है, और ऐसे लोग बहुत ही कम लोगों को मिलते होंगे जैसे आप लोग हैं, और वो इस तरह आपने मुझे विशेष की, बहुत मेरे लिए मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।